दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड इस वीडियो में RPF का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको RPF की जो मेन साइट है आपको वो ओपन करनी है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको जो पेज देख रहे हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप नीचे आप ऊपर देख पा रहे हैं rpfonline.org, आपको ये साइट ओपन करनी है। साइट ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, और सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में, ठीक है। इसमें कितनी वैकेंसीज दी गई हैं आप फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं। इसमें जून वाइज वैकेंसी दी गई हैं, ठीक है। इसमें ग्रुप में जून बांटे गए हैं ABCDEF के अनुसार, ठीक है। आप जो फर्स्ट जून देख रहे हैं SR SWR SCR में जो जनरल की वैकेंसीज हैं 656 है, SC की 82 वैकेंसी है, ST की 34 वैकेंसी है, OBC की 32 वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी 804 हो जाती है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। अगर यहाँ फीमेल की बात की जाए तो इसमें फीमेल की 927 वैकेंसी है टोटल, और फीमेल में जनरल की 621 है, SC की 114 है, ST की 54 है, OBC की 138 है, ठीक है फ्रेंड्स। आप जब अपना फॉर्म फिल करें तो फ्रेंड्स अपना जून देख के फॉर्म फिल करें, ठीक है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने पहले 2016 में फॉर्म फिल किया हुआ है फीमेल्स ने, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी फीस पे कर सकते हैं, जिससे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और इसके अनुसार आप नीचे देख पा रहे हैं SR SWR CR का ग्रुप ए है, एंड बी ग्रुप में जो है CR WR WCR जो जून पढ़ते हैं वो ग्रुप बी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ग्रुप डी से फॉर्म फिल करेंगे इस वीडियो में। तो आप ग्रुप डी में देख सकते हैं NR NER NWR NCR, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे हम। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सब पढ़ना है, मैंने ये पढ़ रखा तो मैं इसे अब नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। जब आप इस साइट को ओपन करेंगे आपको ये ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर आप यहाँ पे आई हैव गोन थ्रू द सेंटर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, इस पे क्लिक करना है, और जो नीचे ऑप्शन देख रहे हैं आई डिक्लेयर डेट, इस पे भी आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उससे उल्लिखित सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में आपको अपना नेम डालना है। नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको री एंटर नेम, मतलब अपना नेम दोबारा से डालना है इसमें, और नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप जेंडर लिंक डाल दीजिए अपने, आप मेल है या फीमेल है, ठीक है, जो भी है। और ये डालने के बाद आप नीचे देख रहे हैं आधार कार्ड स्टेटस। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आई हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आई हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आधार कार्ड नंबर एलिमेंट नंबर डालिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, आधार कार्ड का जो नंबर है आपका। फ्रेंड्स, नंबर डालने के बाद आपको आपके नीचे फादर नेम डालना है अपना, ठीक है, और नीचे आप देख रहे हैं मदर नेम, ठीक है, मदर नेम डाल देना है। डालने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th SCL रोल नंबर, जो आपके 10th क्लास का रोल नंबर, आपको यहाँ पे वो फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन, आपने कौन सी ईयर में 10th पास की थी, ठीक है, आपको वो यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आप देख रहे हैं नीचे मोबाइल नंबर। मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, यहाँ पे आपको पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है जो आप यूज करते हैं, ठीक है। आप ऐसा नंबर इसमें ना डालें जो आपका बंद हो चुका हो, जो आपका अभी हाल ही में करंट का मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे वो फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद फ्रेंड्स आप इस नंबर को दोबारा से यहाँ पे पुष्टि करेंगे, इसकी दोबारा से री एंटर करना मोबाइल नंबर, ये जो भी अपना फोन नंबर आप भरोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दोबारा से डालनी है, ठीक है, नीचे इसकी पुष्टि करने के लिए।
ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको एंटर एप्चर कोड, मतलब जो आप ये यूआरएल कोड देख रहे हैं आपको यहाँ पे वो फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, आपको इस पे क्लिक करना है आपको और क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन पुष्टि करना आ गया, मतलब कि आप अपना फॉर्म देख सकते हैं कि आपने फॉर्म कैसा फिल किया है। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में जरा सी मिस्टेक है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं, अगर आपका फॉर्म अच्छा फिल किया गया है तो आप आई हैव पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आई हैव पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे करने के बाद फ्रेंड्स मेरे पास एक मैसेज आ गया। ठीक है, वेरीफाई जो मैसेज होता है, ठीक है, मैसेज आने के बाद यहाँ पे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। और आप नीचे देख पा रहे हैं ओटीपी अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त करें, जो आपकी ईमेल आईडी है आप पे वो आ गया। ठीक, मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी पे मैसेज, वो देखिए फ्रेंड्स जो मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, जो मेरा ओटीपी है 1254 है। ठीक है, मतलब 1254। ठीक है, जो मेरा पासवर्ड है, जो मेरा ओटीपी नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ये फिल करने के बाद मेरे मोबाइल नंबर मैसेज आया है, मैं ठीक है उसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे इंटर कैप्चा, ये जो कोड है आपको यहाँ पे वो फिल करना है। ये कोड भरने के बाद फ्रेंड्स आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है इसको आप कॉपी कर लीजिए यहां से। कॉपी करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दी है। और फिल करने के बाद ये जो आप कोड देख रहे हैं आपको यहाँ पे दोबारा फिल करना है। कोड फिल करने के बाद आप जो लॉगिन देख रहे हैं यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है, अगर आपके में कुछ फॉर्म में मिस्टेक है तो यहाँ पे क्लियर मतलब आप बैक हो सकते हैं यहाँ से। अगर आपका फॉर्म अच्छा फिल किया गया है हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ अब। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नेशनलिटी, रिजाइन, कम्युनिटी, समुदाय, जो भी होता है फ्रेंड्स ये पे आपको ये सब फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में सिटीजन ऑफ इंडिया भर देता हूँ और जो धर्म है मैं यहाँ पे हिंदू कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, कम्युनिटी में जबकि जिस कास्ट आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे मैं एससी से हूँ तो मैं यहाँ पे एससी कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपनी जो कास्ट है वो भरनी है यहाँ पे, और जो आपका स्टेट है, ठीक है, आपको यहाँ पे वो फिल करनी है। स्टेट फिल करने के बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पे वो भी फिल करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आप मुफ्त यात्री सुविधा लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, मतलब आपका जो एग्जाम होगा जब ये, ठीक है, तो आपका रेलवे के टिकट के लिए अगर आपके पास पैसे आपके पास प्रोवाइड नहीं है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं अगर आप एससी कास्ट से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये मांग रहा आपसे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल देता हूँ। और आप नीचे देख रहे हैं जारी करने की तिथि, यहाँ पे आपको डेट डालनी है जब ये जारी हुआ था।
डेट डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना कि आपने किससे बनवा था, या ठीक है तहसीलदार या रिजन तहसीलदार, ठीक है। तो यहाँ पे तहसीलदार पे क्लिक कर देता हूँ मैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे निकटतम रेलवे स्टेशन, जब आपका रेलवे स्टेशन पड़ता है नजदीक में आपके, वो आपको यहाँ पे वो फिल करना है, ठीक है। तो मैंने फिल कर दिया यहाँ पे, और आप नीचे देख पा रहे हैं क्या आप पूर्व से बात रहे हैं, मतलब कि आप एक्सरिस मैन हो या नहीं हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे नो पे आप अगर हो तो इस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है। और ये आप नीचे देख रहे हैं 1980, जो लोग 1980 से 1989 के बीच जम्मू कश्मीर में अगर रह चुके हैं तो यहाँ पे यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें, ठीक है। फ्रेंड्स जो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे, क्या भूतपूर्व सेवा के केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी, मतलब आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब है मतलब पहले से ऑलरेडी इस फील्ड में, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। तो मैं नो कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो आप नीचे देख पा रहे हैं कि आप गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, मतलब फ्रेंड्स इसका मतलब है जो कि पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप यस पे क्लिक कर दे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दे, ठीक है। नो पे क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड्स आप जो नीचे देख पा रहे हैं इसे यहाँ पे प्रेफरेंस वन, प्रेफरेंस टू, प्रेफरेंस सेकंड, मतलब यहाँ पे आपको अपना जोन डालना है। आपने जो जोन फर्स्ट में डाला है फ्रेंड्स, मतलब कि एनआर से आप ग्रुप बी से भर रहे हो, सी से भर रहे हो, उसमें तीन चार जोन दे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वो फिल करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एनआर भर देता हूँ, और सेकेंड में एनसीआर भर देता हूँ, और जो थर्ड ऑप्शन में इसमें फ्रेंड्स मैं एनईआर भर देता हूँ, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन बच गया इसमें फ्रेंड्स मैं NWR भर देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स आप नीचे देख रहे हैं बोर्ड, आपने जो 10th क्लास है आपने कौन से बोर्ड से कर रखी, सीबीएसई से कर रखी है, स्टेट बोर्ड से कर रखी है, किससे कर रखी, ठीक है। यहाँ पे आपको वो फिल करना है, तो मैंने स्टेट बोर्ड से कर रखी है, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। एंड आपको दोबारा से अपनी स्टेट डालनी है, और अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पे वो फिल करना है आपको। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं परसेंटेज, आपकी परसेंटेज किस हिसाब से है, मतलब आपके ग्रेड के उस पे माध्यम से आपको नंबर्स दिए गए हैं या परसेंटेज के हिसाब से, आपको वो यहाँ पे वो क्लिक करना है, ठीक है। तो मुझे परसेंटेज के हिसाब से नंबर मिले हैं, तो मैं परसेंटेज में क्लिक कर दिया, और नीचे आप देख रहे हैं परसेंटेज, मतलब कि आपके परसेंट कितने यहाँ पे आपके वो डालने हैं, ठीक है। परसेंटेज डालने के बाद फ्रेंड्स आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें से डिग्री पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर आपके पास अदर कुछ भी है तो ठीक है, आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, ठीक है। आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं, या मतलब आपके कुछ भी अगर प्लस टू कर रखी था, आप पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके से पूछा गया आप साइंस से कर रखिए या आर्ट्स से कर रखिए, कॉमर्स से कर रखिए, तो मैंने साइंस से करके इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मातृभाषा, अदर डिटेल्स, अन्य उच्चारण, ठीक है। तो यहाँ पे मदर टंग जो आपकी मातृभाषा है, ऐसे आप बोलते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे वो फिल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी डाल देता हूँ। हिंदी भरने के बाद आप नीचे देख रहे हैं परीक्षा हेतु अंग्रेजी के अलावा अन्य माध्यम विकल्प, आपको यहाँ पे इंग्लिश को छोड़ के आप कोई भी भाषा यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं हिंदी कर लेता हूँ। हिंदी भाषा चूज करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में एड्रेस लाइन, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। और फ्रेंड्स आप नीचे देख रहे हैं एड्रेस लाइन सेकेंड, ठीक है। अगर आपका जो फर्स्ट जो लाइन दे रखी है, ठीक है, इसमें आपका पूरा एड्रेस हो चुका हो तो आप सेकेंड को छोड़ दें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। एंड स्टेट में अपनी स्टेट डाल दीजिए यहाँ पे आप, और नीचे आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, और वर्गीकरण मतलब आप टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, ठीक है, आपको वो फिल करना है यहाँ पे। तो मैं विलेज में रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे विलेज डाल दिया है। और जब आप यहाँ पे अपने जो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट डालोगे तो आपके जो आसपास के इलाके के जो विलेज हैं, गांव, शहर है, जो भी है, तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं गवान को भी फिल कर देता हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड्स आप जो लास्ट में देख रहे हैं पिन कोड, जो आपके इलाके का जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एक पिन कोड अलग से होता है, आपको वहाँ पे वो फिल करना है, वो 6 नंबर का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको फिल करना है वो, तो जो मेरा पिन कोड है मैं यहाँ पे आपको फिल कर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दिया है। तो फ्रेंड्स पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको हेयर बाय पे क्लिक करना है, ठीक है, घोषणा। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट में नहीं डाल रखा है, इसमें डालने के बाद मैं यहाँ पे एनआर डाल देता हूँ। डालने के बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे। तो
प्रिंट वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे एंड नाम दिया गया है, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हैं होल्डर नेम अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको जिसका अकाउंट है ठीक है इसके नाम से आपको यहाँ पे वो डालना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है एंड आईएफएससी कोड डालना है। ये सब पुष्टि करने के बाद, ये फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फीस पे हो जाएगी, ठीक है, फीस पे होने के बाद आप आगे चल के अपना फोटो अपलोड कर पाओगे। फोटो अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको तब भी कुछ प्रॉब्लम आती है आगे चल के तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का जवाब पक्का दूंगा कमेंट में, ठीक है। तो प्लीज फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी। तो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।